कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आज मंडला में भाजपा द्वारा किया गया किसान आक्रोश आंदोलन। मंडला में आज मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान आक्रोश आंदोलन किया गया। किसानों का कर्ज माफ करो, बिजली बिल हाफ करो, बढ़े हुए बिल माफ करो, अतिवृष्टि से चौपाट फसलों का मुआवजा दो। प्रदेश की कमलनाथ सरकार के द्वारा किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी और उपेक्षा के खिलाफ प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत किसान आक्रोश आंदोलन 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी मंडला के तत्वाधान में जिले के किसान भाई और भाजपा कार्यकर्ता द्वारा भाजपा जिला कार्यालय में एकत्र होकर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बढ़े हुए बिजली बिल का विरोध कर बिजली बिल सड़क पर जलाया गया। किसान आंदोलन में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, मंडला सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुस्ते एवं भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो कार्यकर्ता के नाते, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूँ। जनप्रतिनिधि के नाते ज्ञापन का काम अभी हमारे नेता जी आए हैं, वो करेंगे। सब ज्ञापन देना है सरकार को। देखिए, मुख्य जो विषय है इस समय किसानों के सामने जो बहुत बड़ा संकट है, अतिवृष्टि का मामला है, इसका कोई आकलन नहीं किया राज्य सरकार ने। दूसरा, बिजली के बिलों के लिए, जैसा किसानों के लिए विशेषकर उपभोक्ताओं के लिए उन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल अदा करें, बिजली का बिल निरंतर आगे बढ़े। तीसरा, उनने उस समय कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, वो काम शुरू नहीं किया। मैंने 3 प्रमुख जो विषय हैं, आज किसान इससे प्रभावित हो रहा है और इसलिए पार्टी ने विचार किया कि एक बार सरकार को इस बात के लिए चेताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा सरकार को। भूली बहरी सरकार ने किसानों के साथ में जो अन्याय अत्याचार कर रही, और जब तक हम राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा धर्म समझ करके हम किसानों के साथ में खड़े हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह तय किया है कि सारे किसानों को साथ में हो करके हम ज्ञापन देंगे और सरकार को चेताएंगे। और ये आज का जो मुख्य मुद्दा है कि जन आक्रोश, किसानों के मन में ये जो संकट पैदा हुआ है, सरकार को चाहिए किसानों के साथ में इस संकट में खड़े रहना चाहिए, परंतु सरकार ने ऐसा कोई विचार नहीं किया। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि केंद्र से उन्हें मदद नहीं मिल रही। देखिए, केंद्र सरकार 50% ग्रांट एडवांस में देती है, हर राज्य सरकारों को एडवांस देती है, जितना भी अनुमानित है जो ग्रांट है रिलीफ फंड। राज्य सरकार को चाहिए जो राशि हमने दिया है, एक तो उस राशि का पहले उपयोग करना चाहिए, दूसरा प्रदेश के जो किसान प्रभावित हुए हैं उसका आकलन करना चाहिए कि कितनी राशि की आज किसानों के लिए आवश्यकता है। इनके पास कोई बही खाता है नहीं, कोई हिसाब किताब है नहीं, और जब हिसाब किताब नहीं होगा तो आखिर पैसे किसको आप देंगे, ये तो पता चलना चाहिए कि भाई किस बात के लिए हम पैसे देंगे। और ये बात राज्य सरकार को तय करना चाहिए कि अगर हमारे 51 जिले हैं तो 51 जिले में कौन कौन से जिले हैं जहां पर किसान प्रभावित हुआ है, अतिवृष्टि के कारण कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए, कितने किसान प्रभावित हुए, इसका हिसाब किताब करना चाहिए राज्य सरकार को। वो ऐसा नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि हमको कोई रिलीफ फंड नहीं मिल रहा है, भाई आप अपना आंकड़ा तो पेश कीजिए कि आपको कितने राशि की आवश्यकता है, कितना आपने आकलन किया, कितने किसान प्रभावित हुए, इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ विटनेस, और रहे पल पल के खबरों से अपडेट।